Hello students, so coming to the topic that is exercise 6.2 question number 10. इसमें क्या हुआ था कि कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन इसका एक और सिंपलर सॉल्यूशन मुझे याद आया है एंड इट इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी गुड वन, सो दैट आपको पूरा रिलाय करेगा ये. तो कल मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ. इसके अंदर दिया गया है मुझे क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ तो क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी शेप का हो सकता है, इसीलिए आप हमेशा वही शेप बनाओ जो आपको प्रूफ करना हो. आपको क्या प्रूफ करना है? शो दैट ABCD इज अ ट्रैपेजियम. तो आप पहले से ही ट्रैपेजियम ही बनाओगे. ये देखो, ये मैंने ट्रैपेजियम बना दिया, ठीक है, ये ट्रैपेजियम बना दिया. अब मैं इसको लिख दूंगा ABCD, इसका फिगर, जैसे कि मैंने लिख दिया ABCD. तो इट मीन्स वॉट, अगर मुझे इसको ट्रैपेजियम प्रूफ करना है तो what must be the कंडीशन? AB must be parallel to CD. दिया नहीं गया है, पैरेलल प्रूफ करना है. अच्छा, आगे देखो, सच दैट उसके जो डायगनल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, यानी AC और दूसरा डायगनल क्या होगा BD, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO upon BO is equal to OD upon OC. ठीक है, तो हमें इस चीज का यूज करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप, जैसे जो चीज मैंने कल आपको समझाया था कि टू प्रूव लिखना है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, चलो लेट अस टेक अनदर मार्कर सो दैट इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो अपन पहले यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव, कि भाई क्या प्रूफ करना है. तो प्रूफ करना है सर ABCD इज अ ट्रैपेजियम. अगर आपको दिमाग में कुछ याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ करना है. AB इज पैरेलल टू DC हमें प्रूफ करना है. आप CD भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा पैटर्न के हिसाब से AB है तो DC के हमें पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए गिवन चीजों का यूज कर सकते हैं, या फिर हम हमारे तरीके से कुछ और भी इसके अंदर एडलेस कर सकते हैं. तो डेफिनेट सी बात है, गिवन में तो कम ही दिया हुआ है, तो इसीलिए अपन कहेंगे कंस्ट्रक्ट. क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्ट क्या चीज? ओ और एक लाइन ले लो. मान लो कि मैंने ओ से एक लाइन इधर AD पे गई, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB. AB के साथ में इसको पैरेलल ले लो. क्या करना है? कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB Which intersect क्या AD at E, या फिर खाली इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB. अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा है, इस ट्राइंगल को लेंगे जिसके अंदर AO upon OC है, AO upon BO है ना, इसको आप माइंड मैप के थ्रू वापस से AO upon OC इज इक्वल टू BO upon OD, इस तरीके से इसका यूज लेके फिर वापस इसको सच दैट में ले आएंगे, है ना. तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं कि जो गिवन है उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं. तो गिवन को मॉडिफाई कर रहा हूं, गिवन दैट, क्या गिवन था? AO upon BO इज इक्वल टू CO upon DO. इसको मॉडिफाई कर रहे ना, तो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हिसाब से लिख देंगे. क्या लिख देंगे? देयरफॉर AO कुछ करने की जरूरत नहीं है, upon CO इज इक्वल टू BO upon DO. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको एक इक्वेशन बना दो, दैट्स इट. ठीक है, इतना अपन ने कंस्ट्रक्ट कर लिया. थोड़ा सा डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ, सो दैट अपन जो भी करने वाले हैं ये शो दैट वाला पार्ट भी मिटा देते हैं, और यहाँ पे अपन इस डायग्राम को बना देते हैं, सो दैट अपन को राइटिंग का स्पेस मिल जाए. ABC, ठीक है, तो ये BD हो गया और ये AC हो गया और ये O हो गया. अब इसको यूज करना है, तो इसमें देखो AO upon CO है. क्या है? AO upon CO है ना, तो आप ये देखो AO और CO कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं जिसके अंदर हमारा OE भी है. तो दिख रहा है एकदम क्लियरली ADC और OE हमने पैरेलल बनाया है AB के. टारगेट क्या होगा कि OE को DC के भी पैरेलल कर दो. ठीक है, तो देखो एकदम क्लियरली, एकदम इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर. क्या लिखूंगा मैं यहां पे? इन ट्रायंगल
क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, क्या हो रहा है एडीसी में, ओई पैरेलल है, अच्छा एडीसी में तो पैरेलल है नहीं ना, तो एडीसी में पैरेलल नहीं है सर, एडीसी में पैरेलल नहीं, एबीसी में पैरेलल, एबीडी में, सॉरी एबीडी में पैरेलल है, एबीडी ओई है ना, तो अपन बोलेंगे ओई इज पैरेलल टू किसके एबी, हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो यहां पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ओके स्टूडेंट्स बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या फिर बाय बीपीटी बेसिक ऑपरेशन थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट विल बी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है सॉरी कहा गया बी ओ अपॉन ओ डी, यस ये ट्राइंगल है बच्चों, देखो इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल है ठीक है, और ये लाइन पैरेलल थी, तो क्या हो गया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ए ई अपॉन ई डी, भाई बीपीटी यही कहता है ना कि डिवाइड्स इक्वली इन द रेशियो है ना, तो इस हिसाब से ये रेशियो इक्वल हो गया, तो ए ई अपॉन ई डी ये जो पार्ट का जो ये साइड का जो रेशियो है और इस साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ये बीपीटी लिख दिया अपन। अब देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, अब ध्यान से देखो तो बी ओ अपॉन ओ डी किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन ओ डी बच्चों इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे ए ई अपॉन ई डी देयरफॉर करके इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, तो ए ओ अपॉन ओ सी आ गया है ना। अब ध्यान दो एक बार इसी डायग्राम को वापस से एक बार रिपीट करते हैं सो दैट क्या और आइडिया आएगा आपको, ये मैंने बना दिया ट्रेपेजियम, ठीक है ए बी सी डी, और ये इसके डायगोनल ये ओ बराबर। अब ध्यान दो ओ ई जो था, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला बात है ना बच्चों, ओ ई जो था वो पैरेलल था किसके ए बी के, लेकिन अब मैं ध्यान से देखूं तो ए ई अपॉन ई डी में क्या आ रहा है, ए ओ अपॉन ओ सी आ रहा है, देखो ए ओ अपॉन ओ सी आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल को अगर मैं कंसिडर करूं ये दोनों रेशियो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ट्रायंगल को कंसिडर करूं दो रेशियो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व होगा देखो करके बता रहा हूं, तो इन ट्रायंगल क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ये इसको आप एक इक्वेशन टू नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू ये कहता है बच्चों के ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है ए ओ अपॉन ओ सी, तो अब इसके अंदर ध्यान दो कि ये हो गया बाय कन्वर्स जो थेल्स थ्योरम है या फिर बीपीटी थ्योरम है उसका कन्वर्स करेंगे हम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या मिल जाएगा मुझे, ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, अरे बच्चों ओ ई किसके पैरेलल लिया था ए बी के, ओ ई किसके पैरेलल आ रहा है डी सी के, तो इसको नाम दे दो फ्रॉम इक्वेशन बी और इसको नाम दे दो इक्वेशन ए, ठीक है ये अपन ने ए और बी नाम दे दिया, तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी देयरफॉर ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, क्योंकि उसके अपोजिट साइड पैरेलल आ गई ना, तो इसीलिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ओके आगे बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 6.3 पे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, थोड़ा सा एक हल्का सा टिप दे देता हूं आपको कि एक्सरसाइज 6.3 है ना उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया यूज करना है,
कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद में आपको वापस छोटा सा याद दिलाता ना, छोटा सा टाइम लगेगा। देखो ए बी सी अगर डी ई एफ के आपको ये सिमिलर करना होगा या फिर सिमिलर दिया होगा, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली जो छह प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, दैट इज व्हाट एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंड इन द सेम वे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई एफ विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू बहुत सिंपल है, आपको ऐसे देखते ही आ जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे वापस से बता देना, तो मैं क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू भी आपको सिखा दूंगा। मूविंग विद क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। क्या बोला हुआ है, एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, उसके डायगोनल जो है एसी और बीडी है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो फिगर बना देते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री फिगर बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये फिगर बना रहे हैं, यहां पर बना देते हैं कि भाई ये ट्रेपेजियम है, और आप भी याद रखना बोर्ड में भी आप हमेशा राइट हैंड साइड में ही फिगर बनाओगे। ए बी सी डी ट्रेपेजियम बना दिया, और कह रहे हैं बी डी, क्या कह रहे हैं, बी डी और ए सी जो है वो मीट कर रहे हैं एट ओ पे, तो ये लोग बी डी और ये लोग ए सी। अब देखो अभी अभी अपन ने सॉल्व किया है, लेकिन उसके अंदर क्या था बच्चों, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमको है ना कुछ कहा नहीं गया था, तो हमने बीपीटी यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पे जस्ट आगे एक लाइन लिखी हुई है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आपको सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया यूज करना है फॉर ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा, ट्रायंगल्स का, और शो करके बताओ एओ अपॉन जो भी शो करना है वो अपन लिख देंगे एज यूजुअल। तो हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव एओ अपॉन सीओ, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, एओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओ डी, ठीक है। इस तरीके से मुझे प्रूफ करना है ना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ने के पहले मुझे ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि भाई सिमिलर कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि जब मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा तभी ये रेशियो वाला फंडा आएगा ना। यस, वेरी गुड। तो दो ट्रायंगल को कौन से को सिमिलर करें, तो देखो अगर ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है तो एक चीज हमको गिवन है, ठीक है, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। और इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब जो अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल यू है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू विच एंगल, अल्टरनेट एंगल हुए ना, ये अल्टरनेट एंगल हुए। तो ध्यान से देखना इसी डायग्राम में, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। ये देखो इधर और ये देखो इधर, क्या है, जो ए बी था इतना, ये ए बी था, ठीक है, और ये यहां पे बी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये अपना डी पॉइंट है। छोटा ए बी को छोटा ले लेता हूं, डायग्राम छोटा बनाया ना, तो ये डी पॉइंट है, ये इस तरह से आ रहा है, देख रहा है ट्रेपेजियम। तो दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, ए बी डी इज इक्वल टू विच एंगल, बी डी सी, बी डी सी एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है ना, याद होगा आपको, लेकिन फिर भी अच्छे से बता रहा हूं अगर कोई भूल जाए तो, अल्टरनेट एंगल है ना। तो इसी का ही यूज करेंगे, और इन द सेम वे उसी तरीके से वापस से ध्यान दो कि भाई दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है इस बार, ठीक है। तो यहां पे भी सर ये जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखो एक मिनट, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो है उसको थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये बी पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट, देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल, ध्यान दो वापस, ध्यान दो ट्रेपेजियम बन रहा है ना। उस तरीके से आपको अपने इमेजिनेशन दौड़ाने हैं, मैंने तो मेरे इमेजिनेशन को यहाँ पे पुट करके बता दिया, ठीक है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो तो आगे बढ़ता हूँ मैं इसी क्राइटेरिया के साथ में। मैंने क्या कहा था कि अगर अपन को दो एंगल्स इक्वल मिल जाए,
द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर हमें दो एंगल इक्वल मिल जाए दैट मीन्स द टू ट्राइंगल आर सिमिलर. ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल कौन से दो, ये कौन से ट्राइंगल है, ए ओ बी ट्राइंगल है. ए ओ बी एंड ट्राइंगल कौन सा, नीचे डी ओ सी ट्राइंगल है. ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी मैं कह सकता हूं कि एंगल, विच एंगल, एंगल ए बी ओ, ए ओ बी में ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, डी ओ सी में ओ डी सी. क्यों, ए बी पैरेलल है सर सी डी के एंड एंड अल्टरनेट एंगल्स, या फिर आप डायरेक्टली इधर ऐसे लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, और उसी तरीके से, उसी तरीके से दोनों लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है ना, दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी. इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ये हो गया वापस से सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है बच्चों, अब दो एंगल, अच्छा देखो तीसरा एंगल भी इक्वल आ रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. तो क्या हो गया कि सर बाय एंगल, एंगल क्राइटेरिया, क्या सर बाय एंगल, एंगल क्राइटेरिया आई कैन से दैट ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है. लेकिन इसको सिमिलर लिखने का भी तरीका है, सिखाया हुआ है, हाँ सिमिलर लिखने का भी तरीका है. ध्यान दो कैसे, कि जो ये एंगल था उसी एंगल यहां पे भी वही लिखना है. जैसे कि ट्राइंगल में लिख रहा हूं बी, तो यहां पे सिमिलर लिखना पड़ेगा, बी किसके इक्वल था, डी एंगल के इक्वल था. उसी तरीके से ए है तो ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो यहां पे ए एंगल इसके सी एंगल के इक्वल है, और तीसरा बच्चा ओ एंगल और ये भी ओ एंगल के इक्वल है. ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ही यूज करेंगे और बोलेंगे देयरफॉर इसके साइड्स के रेशियोस करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना. तो हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी या फिर डी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ. हमें ये तीनों इक्वल मिल गए, लेकिन प्रूफ क्या करना था, ए ओ ओ सी बी ओ ओ डी, तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी. हो गया, अगर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी. ये लो सर, हेंस प्रूफ. आया समझ में, चलो ठीक है, पॉजिटिव नोट इट डाउन, आगे बढ़ रहा हूं मैं. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे. क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया है कि हमारे पास में एक फिगर है, ये फिगर आपको दिया हुआ इस तरीके से, और कहा हुआ है कि फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज हमें गिवन है. ठीक है, इस गिवन चीज का हमें यूज करना है, और कहा हुआ है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इसका भी यूज करना है. अब देखो ये दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, तो आई कैन ऑल्सो गो विथ बी पी टी, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये एक्सरसाइज आपको सिमिलर क्राइटेरिया के मदद से करनी है. बीपीटी से कैसे होता, ये और ये रेशियो इक्वल, ये और ये रेशियो इक्वल, ये दोनों लाइन पैरेलल, पैरेलल होती तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बनते, और फिर उसके बाद में मैं कह सकता था कि भाई दोनों ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल आ गए ना, तो और एंगल क्यू कॉमन आ गया दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. लेकिन लेकिन द थिंग इज मुझे बीपीटी यूज नहीं करना है, मुझे यूज करना है द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया क्या होता है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए, या फिर दो साइड के रेशियो इक्वल, और उन दोनों रेशियो के बीच वाला जो एंगल है दोनों साइड के बीच वाला एंगल वो इक्वल, तो इसमें है ना वो चीज यूज हो सकती है. ठीक है, देखो किस तरीके से कर रहा हूं, थोड़ा सा पहले सम के बारे में समझना जरूरी है. जितना ज्यादा सम का मैपिंग करोगे ना उतना क्विकली सॉल्व होगा, और सबसे बड़ी बात एक्यूरेटली सॉल्व होगा, सही तरीके से वही सॉल्व होगा. ठीक है, तो देखो इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इन ट्राइंगल, अगर मैं एंगल वन और एंगल टू की बात करूं तो मुझे दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर. अगर मैं इस पी क्यू आर ट्राइंगल की बात करूं
एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी पी क्यू आर के अपोजिट में है पी आर, सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसका हम कहीं पे यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया इतना, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब जो अपन को रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ था, क्यू एस अपॉन, तो उसके ऊपर आते हैं। क्या दिया हुआ हमको, गिवन दैट, सर हमको दिया हुआ है गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। देखो ये मैंने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि पी आर जो है ना यहां पे क्यू आर अपॉन क्यू एस ये एकदम सही जा रहा है, क्यू आर द फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज द टी क्यू आर ट्राइंगल और क्यू एस द सेकेंड ट्राइंगल सही जा रहा है पी क्यू एस ट्राइंगल, लेकिन जो दूसरा साइड था दैट इज क्यू टी, भाई ये तो सही है लेकिन दूसरा देखो क्या है पी आर, अब ये पी आर का क्या यूज करूंगा, तो इसीलिए पी आर को मैंने इक्वल बता दिया पी क्यू के। देखो यहां पे पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो अपन ये ले लेंगे यूजिंग क्या इक्वेशन वन, क्या बन जाएगा यूजिंग इक्वेशन वन के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस और ये जो क्यू टी है और उसके नीचे आ जाएगा पी आर के जगह पे पी क्यू। अब देखो दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल, एक जो बड़ा ट्राइंगल और दूसरा छोटा ट्राइंगल है, यानी एक ये ट्राइंगल देखो और दूसरा ये ट्राइंगल देखो छोटा ट्राइंगल दैट इज पी क्यू एस ट्राइंगल, दिख रहा होगा है ना। दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो एक साइड उसके नीचे दूसरी साइड है, क्यू आर तो उसके नीचे क्यू एस है, क्यू टी उसके नीचे पी क्यू है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन ध्यान से देखूं तो एंगल तो बीच वाला इक्वल ही है दैट इज क्यू इज कॉमन। तो अब आपको डायरेक्टली नहीं करना है, इसका भी लिखने का तरीका है, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको। क्या तरीका है, आपको इस तरीके से लिखना है, यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल, कौन सा दूसरा ट्रायंगल है टी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं मैं तो इसको अपन टू नाम दे देते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू एंड दूसरी बात क्या, इसमें एंगल कहाँ है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, इसका एंगल क्या है, एंगल टी क्यू एस सॉरी टी क्यू आर, ठीक है, यानी पी क्यू एस ये एंगल और टी क्यू आर यही एंगल, इसका मतलब ये दोनों एंगल आर कॉमन, तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू एस सॉरी पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत जरूरी टू नोट इट डाउन, क्वेश्चन सिक्स के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कह रहा है कि हमारे पास में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर हम आ गए 9 चैनल में वापस, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में इक्वल नहीं होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स टोटली एग्जैक्ट कॉपी है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अच्छा सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी,
ए बी ई, देखो पहले से हाईलाइट कर दिया है मैंने, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो मुझे इसका ही यूज करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है और किस तरीके से होगा, और जो प्रूफ करना है वो लिख देते अपन एज यूजुअल कि सर हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अगेन मुझे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में अगर मैं ए डी ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो आता है उसको अगर मैं ए ई अपॉन ए सी, क्यों ऐसे ले रहा हूं, क्योंकि देखो ए डी ई ट्राइंगल ये रहा और ए बी सी ट्राइंगल ये रहा, तो ए डी अपॉन ए बी लू और ये इक्वल कर दूं मैं ए ई, ए ई है ना ये, हाँ ए ई अपॉन किसके, अपॉन ए सी के, और एंगल एंगल है तो हो ही गया, समझ में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, ए डी अपॉन ए बी इक्वल है कि नहीं है, कि कैसे है, कि क्या है, जो भी है, ठीक है ठीक है। तो क्या करना है, जो चीज गिवन है ना उसी चीज का हमें यूज करना है। क्या गिवन है, ए बी ई इज, क्या गिवन है, ए बी ई इज, एक मिनट, ठीक है, गिवन है हमें, गिवन है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, सॉरी ए बी फॉर बॉल, ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ओके ये दोनों चीज हमें गिवन है, ए बी ई ए सी डी बराबर। तो ध्यान रखना जब भी आप ये चीज लिखो ना तो अरेंजमेंट को चेंज मत कर देना, अगर आपने ऐसा कर दिया ना ए ई बी लिख देते हैं क्या फर्क पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट सॉरी कॉन्ग्रुएंट क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बहुत फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना ये गलती मत कर देना। एमसीक्यूज में भी आपको अगर क्वेश्चन पूछे इस साल तो आप इसका अरेंजमेंट चेंज मत करना, ठीक है। तो ए बी ई इज क्या, कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, चाहे एंगल की बात कर लो, इसका मतलब इसका ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी साइड के इक्वल है, ठीक है। और आपको यहां पर ब्रैकेट में लिखना है बाई सी पी सी टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए सी पी सी टी। और उसी तरीके से इसको आप एक काम कर दो, इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको इक्वेशन वन काम आने वाला ना, इसलिए ए बी और ए सी, देखो ए बी और ए सी मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, ए डी और ए ई चाहिए। तो देखो इसके अंदर और भी है, बी इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, लेकिन ये चाहिए नहीं, और अगर ये चाहिए नहीं तो ये लिखना भी नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, ये लो नहीं लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, एक और आ सकता है, दैट इज ए ई, मतलब ये ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, और ये भी सेम वही वजह से, देखो ए और ए डी कहाँ आ रहा है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल सम है, ठीक है। तो अब अगर मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, या फिर इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा बच्चों ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये मिल गया, और मेरे को यही तो चाहिए था, यही तो मैंने आपको बोला था कि मुझे ये चाहिए, और दूसरे बीच वाला एंगल तो इक्वल आ गया, तो बस अब इसका ही यूज करना है। इसका यूज कैसे करना बताता हूं मैं, इसको नाम दे दो इक्वेशन थ्री। अब आप कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाले हो, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल बोलने वाले और उसके बीच वाला एंगल बोलने वाले, वो पहले लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल, कौन सा दूसरा ट्राइंगल, ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये मिल गया है, साइड का प्रपोर्शन इक्वल ए सी अपॉन ए डी, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री,
ठीक है, गिवन होता तो गिवन लिख देता, अब ये चीज मिल गई है। दूसरा चीज क्या मिल गया है मुझे कि एंगल ए इज इक्वल, एंगल ए मतलब डी ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों? देखो डी ए ई ये रहा, बी ए ई फिर से ये रहा, इसका मतलब क्या कॉमन है, ये लो कॉमन लिख दिया। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। पैटर्न समझ में आ गया होगा, इसका एंगल है इसका एंगल एक इक्वल, ए के सामने वाली साइड देखो, ए के सामने वाली साइड है ए बी, तो इसीलिए ए बी लिखा और ये ए लिखा इस तरीके से, ठीक है, ओके। पॉसिबिलिटी नोटेड डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ABCD जो पैरेललोग्राम है उसमें AD साइड को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो, है ना, तो इसीलिए पहले मैंने ABCD पैरेललोग्राम तो बना दिया, अब मुझे AD साइड जो है इसको मुझे प्रोड्यूस करना है, इसको मुझे ऐसे, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस। अगर डी ए प्रोड्यूस होता तो मैं ऊपर की साइड लेके जाता, अगर डी ए प्रोड्यूस होता तो ऊपर जाता, लेकिन क्या है ए डी प्रोड्यूस, ठीक है, तो ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, और वहां पे ई एक पॉइंट रख देना है, ठीक है, और ये मैंने प्रोड्यूस करके यहां पे अपन ने क्या कर दिया, ई एक पॉइंट रख दिया। अब अगर मैं बी और ई को ज्वाइन करूं, क्या कह रहा हूं, अब अगर मैं बी और ई को ज्वाइन करूं, गेटिंग दिस थिंग, अपन ने बी और ई को ज्वाइन कर दिया, तो लिखा हुआ है बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ये देखो ये रहा सी डी और ये रहा बी ई, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ, ठीक है, ओके, सिंपल सिंपल, वेरी गुड। अब क्या प्रूफ करना है देखते हैं, शो दैट, तो हमें जो भी प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये टू प्रूफ, टू प्रूफ ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर, क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है बच्चों, ओके, तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगेन द सेम थिंग, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि सर ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, यानी कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बोला हुआ है नहीं है, ना ही कुछ कॉन्ग्रुएंसी वाला ट्रायंगल टाइप दिया हुआ है। तो इस सम के अंदर ध्यान दो, आपको बोला हुआ है पैरेललोग्राम, क्या बोला हुआ है, गिवन गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बराबर, तो अगर अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन उसका यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है, ठीक है, तो देयरफॉर लिख देते हैं, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें याद रखना चाहिए, या फिर अगर अपन को और ये भी चीज अपन को पता होगी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम के एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स तो पता नहीं लेकिन एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो एंगल का यूज लो, जिसमें एंगल्स इक्वल है जिसमें गिवन है उस तरीके से कंडीशन में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कह सकता हूँ, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, माइंड मैप दौड़ा रहा हूँ मैं, माइंड मैप दौड़ा रहा हूँ कि हाँ भाई ये दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ है, यानी ये जो बी है ए बी ई का और ये जो एफ है क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, तो ये बी एंगल बी एफ एंगल के इक्वल है। अच्छा ई एंगल बी एंगल के इक्वल है क्या, यानी ये ई एंगल ये बी एंगल के इक्वल है, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, अगेन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल ले तो, लेकिन उसको नहीं लेते हैं, जैसे कि आपको जैसे भी सूट हो, यानी अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लूंगा तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है,
तो इस तरीके से मैं इस सम को सॉल्व कर दूंगा, यानी मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इसको देखते देखते सॉल्व कर दो, माइंड दौड़ाओ ऐसे कि ए एंगल किसके इक्वल करना है, सी एंगल के इक्वल करना है, तो ए और सी को कैसे इक्वल कर दूंगा, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आपने बता दिया ये चीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट आएगा बच्चों बी एंगल एफ एंगल के इक्वल है, तो ये बी एंगल ये रहा और एफ एंगल ये रहा, तो हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, एंगल सी एफ बी, क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है ना, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये एक तरह की ट्रांसवर्सल है, तो अगर ट्रांसवर्सल तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया ना, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एंगल अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स या फिर हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जैसे भी आप लिखो टीचर समझ जाएंगे। तीसरा एंगल अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल के मदद से, नहीं लिखना है तो भी चलेगा क्योंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया बताओ या फिर एंगल 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 क्राइटेरिया बताओ, ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया से कौन से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, देखो इसका ए एंगल इसके सी एंगल के इक्वल है तो इधर सी आएगा, इसका बी एंगल इसके एफ एंगल के इक्वल है तो सी एफ और बी बचा, हेंस प्रूव्ड। आदर में क्वेश्चन नंबर 8, काफी सिंपल काफी लॉजिकल है ना, पॉजिटिव नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है कि जो फिगर है इसके अंदर सी बी को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो सी बी को प्रोड्यूस किया है इसलिए आपको डायग्राम में इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई ये प्रोड्यूस्ड है, आप इसको पूरा भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सी बी को प्रोड्यूस किया है और ए बी सी ट्राइंगल है आइसोसेलेस जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है और ये परपेंडिकुलर है, तो काफ़ी ज़्यादा बातें लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे एक बार ब्लैक मार्कर से इसको सबको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये चीज़ मेरे को पता है, आप भी ऐसे रफ में कहीं पर लिख दिया करो क्योंकि जितनी भी चीज़ दी होगी ना उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट तो यूज़ करना ही होगा हमें, है ना, तो इन पार्ट्स का यूज करके मुझे बताना है ए बी डी ट्राइंगल कौन सा, देखो ध्यान से ए बी डी ट्राइंगल और दूसरा है ई सी एफ ट्राइंगल, ठीक है, तो अब वापस से वही बात आ गई, कोई रेशियो तो दिया हुआ नहीं है तो रेशियो का मदद लेना नहीं है, अब एंगल एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो अगर मैं देखूं इस इन दोनों ट्राइंगल में, देखो दोनों ट्राइंगल बना के बता देता हूं, ये हो गया अपना फर्स्ट ट्राइंगल दिस वन, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया अपना ये, ठीक है, रेड मार्कर से कर रहा हूँ दोनों को ही, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, तीन साइड इसकी भी आ गई, तीन साइड इसकी भी आ गई, अब दोनों ट्राइंगल में देखूँ तो एक 90 डिग्री यहाँ पर भी है सर और एक 90 डिग्री यहाँ पर भी है सर, दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया लेकिन दो एंगल इक्वल होने चाहिए था, तो वापस थोड़ा सा अगर मैं और दिमाग लगाऊँ, यानी देखो ये चीज़ यूज़ हो गई, ये चीज़ यूज़ हो गई, इसका यूज़ करना है, समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ा ट्रिक भी कह सकता हूँ या फिर उसको लॉजिक भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी दिया हुआ उसका कुछ ना कुछ तो ऐसे लिंक हो गई, तो इस तरीके से ध्यान दो, मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मेरा ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब इसके अपोजिट ट्रायंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल तो इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो ए सी के सामने है ये एंगल और इसके सामने है ये एंगल, अब देखो दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में मतलब ए बी डी में, ए बी डी में क्या आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है सर एंगल बी और इसमें आ रहा है एंगल सी, दो दो एंगल इक्वल हो गए ना, अगर दो दो एंगल इक्वल हो गए तो मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गया बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, कुछ नहीं करना आप सिर्फ लिख रहा हूं, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, देखो अगर एग्जाम में, अगर एग्जाम में आप हिंट नहीं ले पाओ, यानी अगर आप इससे हिंट नहीं ले पाओ तो इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास में कि आप ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए को देखो किसके इक्वल प्रूफ करना है, ई के इक्वल प्रूफ करना है, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर, ये एंगल ए यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं है, एंगल ई यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, दूसरा देखो सेकंड वन, देखो सेकंड वन क्या है, एंगल बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल सी के, ये कर सकते हैं क्या सर, ये सर ये कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी,
समझ में आ रहा है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ रहा है, ए बी डी इज इक्वल टू ई सी एफ आ रहा है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी आ रहा है क्या? देखो ए डी बी इज इक्वल टू ई एफ सी 90 आ रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना? तो देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है? या फिर एक काम करो, इधर ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन के लिए आप इधर ऐसे लिख दो ए सॉल्यूशन का, जो प्रूफ का जो सॉल्यूशन है इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लिख दो, और ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दो, देयरफॉर ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी बी, ए सी बी एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ए बी सी, नाइन्थ में भी सिखाया था, याद ही होगा आपको, है ना? वेरी गुड। तो इस तरीके से इसको डाल दो इक्वेशन वन, और यहाँ पे हो गया फ्रॉम इक्वेशन वन, बराबर। तो ये दो चीज हो गई, अब एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा 90 डिग्री वाला कौन सा है? ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा दूसरा है? ई एफ सी, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच हो गया ना, तो देयर फॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, okay students, positive note it down, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो तो question number 12 पे आ गया अभी, question number 12 में कह रहा है कि ये जो triangle है और ये जो triangle है दूसरे, ये दोनों triangle को similar proof करना है, यानी ABC triangle को PQR triangle के साथ में similar proof करना है। देखो read कर रहा हूँ question में क्या बोला हुआ है, sides AB, BC and ए बी बी सी एंड मीडियन, क्या कह रहा है? साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल, किसका प्रपोर्शनल है? तो रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू, ठीक है, क्यू पी आर, पी क्यू के बाद में क्या लिखा हुआ है? पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, तो पी क्यू क्यू आर और मीडियन क्यू एम, सॉरी पी एम, मीडियन पी एम, ये जो है ये हमें प्रपोर्शनल दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमको प्रपोर्शनल दिए हुए हैं, और बोल करना क्या है? करना है सर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर, कोई एंगल की बात की है? नहीं की है, एक भी एंगल की बात नहीं की हुई है, और मुझे एंगल की बात देखते हैं नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन एंगल की बात नहीं की हुई है, साइड्स की बात की हुई है, ठीक है सर, तो साइड से साइड देखते हैं, साइड से साइड देखते हैं, ओके, ए बी पी क्यू एक साइड हो गई, दूसरी साइड कौन सी मिल रही है? बी सी क्यू आर, बी सी और क्यू आर नीचे वाली दोनों साइड मिल रही है, तीसरी साइड का मैं क्या करूं? ए डी और पी एम, नहीं सर ए डी और पी एम तो इस दोनों ट्राइंगल में ही नहीं, ए बी सी ट्राइंगल में ही नहीं है ना, ए डी तो पी क्यू आर ट्राइंगल में ही नहीं है पी एम, तो फिर इसको नहीं ले सकते, ठीक है, तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, दिमाग मतलब लॉजिक बता रहा हूं, इस हिसाब से अपन क्या करते हैं कि देखो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर देना है, अगर हमें दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर देते हैं, अगर हमें दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएगा बाई एस एस क्राइटेरिया, ठीक है, तो टारगेट है, ये टारगेट है एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करना है, ये टारगेट है अपना, ठीक है, जब ये टारगेट कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, अब जो टारगेट है टारगेट पर समझाता हूं, टारगेट कैसे करूंगा मैं, ए बी मिल गया, पी क्यू मिल गया, बी सी मिल गया, क्यू आर मिल गया, रेडी, ओके, अब अगर मुझे ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने में मेरे को बहुत ऐसे इजी भी लग रहा है, और अगर मुझे करना हो तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल को ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा कि सर जो मीडियन है ना, मीडियन कौन सा? एडी। अच्छा, मीडियन हमेशा ही, मीडियन डिवाइड्स द साइड इनटू इक्वल पार्ट्स, जो भी मीडियन होता है वो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं
कि BC का हाफ BD है, यानी कि BD इज हाफ ऑफ BC, एंड यहां पे QM जो है वो हाफ है, देखो ध्यान से, QM जो है हाफ ऑफ QR। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि BC अपॉन QR है, अगर दोनों में मैं 1/2 कर दूंगा तो रेशियो तो वही रहने वाला है, यानी ये रेशियो इक्वल हो गया, और इसके जगह पे BD और QM लिख देंगे। क्या लिख देंगे? BD और QM लिख देंगे, और हम ये तीनों साइड को, यानी 1, 2 तो दी हुई थी, और ये थर्ड साइड भी अपनी क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। इस तरह से तीनों तीन साइड सिमिलर हो गई, तो इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल है ABD और PQM सिमिलर हो गए। ये दोनों सिमिलर हुए तो हमारा B और Q एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। फिर उसके बाद में हम अपने मेन सॉल्यूशन के ऊपर आ सकते हैं, यानी प्रूफ करने के लिए प्रूफ पहले एक और पार्ट करना पड़ेगा, इस तरीके का ऐसा है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ था इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ले आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन दैट क्या दिया हुआ है मुझे, ए बी, ठीक है, फिर लिखा है बी सी एंड फिर लिखा गया था मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, फिर ये किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर, और ये प्रोपोर्शनल है पी एम के, इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। इसको डिवाइड करना है और कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हाफ, ठीक है, इस तरह से। और जो अपने यहां पे ये जो दो बनाए हैं इन दोनों का मदद लेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। वॉट इज हाफ ऑफ बी सी? बी डी। देखो मैंने यहां पे बी डी इसलिए लिया क्योंकि ये साइड और ये साइड दी हुई थी, ठीक है, ये दोनों साइड्स दी हुई थी, और ये साइड और ये साइड दी हुई थी, इसीलिए मैंने थर्ड साइड बी डी को हाफ ऑफ बी सी कंसिडर किया है। आप चाहो तो डी सी भी ले सकते थे, लेकिन ये दो साइड और ये तीसरे साइड का क्या करूंगा, ये दो साइड और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी डी को डिवाइड कर देना है अपन को हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू एम है इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसमें अपन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इसको वन लिख देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा, कौन से दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को तीनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में आ गए हैं, ठीक है, तो ए अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे तीनों साइड्स भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो गया, बाई साइड क्राइटेरिया, ठीक है, बाई साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एंगल बी यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, डी एम के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे लिखना है ये भी बता देता हूं, ए बी के अपोजिट साइड देखो, ए बी के अपोजिट एंगल देखो डी, उसी तरह से पी क्यू के अपोजिट एंगल देखो एम, ऐसे देखना आपको, ठीक है। तो देखो यहां पे ए डी है, बी डी है, बी डी के अपोजिट में ए और क्यू एम के अपोजिट में पी, तो इस तरह से ए पी के बराबर, ठीक है, ए बी के अपोजिट में क्या है एंगल डी, और वैसे ही पी क्यू, ए बी के नीचे क्या है पी क्यू है ना, पी क्यू के अपोजिट में क्या है एंगल एम, इस तरीके से ये इक्वल हो गए। और यहां पे लिख देना बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहीं पे ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोला है, तो सिमिलर के बाद में ये चीज आपको कुछ मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हो गया द फर्स्ट पार्ट, नाउ द सेकेंड पार्ट, अब बात करनी है हमें सेकेंड पार्ट की, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा बच्चों, सेकेंड पार्ट में होगा
अब ये दोनों का हमें यूज करना है, यानी इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 4, 1, 2 कर दिया ना अपन ने, अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया, बच्चों ये गलत लिख दिया मैंने, इसको मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो इक्वेशन मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चला गया। अब देखो इन ट्राइंगल क्या लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी और इक्वल टू बी सी मुझे पहले से दिया हुआ है, ए बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये मुझे पहले से दिया हुआ है, कहाँ ये रहा देखो, गिवन दैट, ये रहा गिवन दैट, है ना, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया गिवन, ये जो चीज़ लिखी हुई थी। दूसरी बात मैंने दोनों के बीच के एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, जो मैंने मेन मकसद आपको पहले समझा दिया था, एंड क्या कह सकता हूँ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यों बाई, अच्छा ऊपर लिखना चाहिए था ना बाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या लिख देते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, आई बात समझ में, कैसे करना है देखो एक बार ध्यान से, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।